को लेकर जिस तरीके से बातें होती है, कानून में संशोधन किया गया, बीएनएस बीएनएसएस और एविडेंस है, कहा यह गया कि जब ये संशोधन होगा तो कार्यवाहियां तेज हो जाएंगी। कानून का ज्ञान हर कोई चाहता है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस कानून के तहत हमें न्याय मिल सकता है। इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं हम आज हाई कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ अभ्युदय जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये संशोधन हुआ इसके क्या फायदे हुए और क्या फायदे हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभ्युदय जी। अच्छा, ये आप हमें बताएं कि बीएनएस बीएनएसएस और साथ ही एविडेंस एक्ट में जो संशोधन किया गया, मतलब ये जो तब्दीली हुई इससे क्या फायदा हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम यही बताना चाहेंगे जी, जो तीन नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं तो इनके आने का पर्पस क्या है। तो ये जो तीन नए क्रिमिनल लॉज को लाया गया है जी, इसका मेन पर्पस ये है कि जो पुराने ब्रिटिश कालीन जो कानून थे, जैसे आईपीसी इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, तो उस समय के जो औपनिवेशिक कालीन के जो कानून थे उनको हटा के और नया कानून जो है लाया गया, आपराधिक कानून लाया गया और आपराधिक न्याय प्रणाली जो था उसमें बदलाव किया गया। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो पहले का जो कानून था, आपराधिक न्याय प्रणाली जो चला आ रहा था, उसमें बहुत सारा चीज जो था वो सुधार की जरूरत थी। और अभी के स्थिति में जो भारत का जो अभी का जो स्थिति है उसमें ये तीनों कानून को लाके जो नए कानून आए हैं वो अभी के स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन लाया जा सके, इसीलिए ये तीनों कानून को जो क्रिमिनल लॉज है उसको लाया गया और उसमें बहुत सारा जो धारा था उसमें बदलाव भी किया गया। कुछ धारा के संख्याओं को बदला गया और कुछ धाराओं को, नए धाराओं को जोड़ा गया और उसमें जो कुछ धाराएं थी उसको जेंडर न्यूट्रल भी किया गया, मतलब कि सब धर्मों के प्रति जो है बराबर रूप से लागू हो, ऐसा भी बदलाव उसमें लाया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा जेंडर न्यूट्रल किया गया, एक सवाल ये उठता है कि अभी अगर देखें हम तो किस धारा के तहत ज्यादातर केसेस जो है कोर्ट में आते हैं, ये बताएं। देखिए, अगर एक ब्रॉड वे में देखा जाए, अगर हम लोग बीएनएस का बात करते हैं तो बीएनएस आईपीसी को रिप्लेस करता है, इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करता है, और ये बीएनएस जो था अभी जो आया वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो बहुत सारे धाराएं ऐसी है जो पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी है जिनको एड किया गया। और बीएनएस जनरली जो है उसमें ये चीज परिभाषित होता है कि कौन सा जो है अपराध है और उसका क्या सजा होगा, तो उसमें कुछ तरह के नए अपराध को जो है जोड़ा गया है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को 111 धारा के अंतर्गत जो है जोड़ा गया है, जिसमें ये बोला जाता है कि यदि कोई समूह या कोई इंसान कुछ अपराध करती है, जैसे कि अपहरण, वैश्यावृत्ति या जमीन हड़पना आदि जैसे अपराध अगर कोई समूह करता है या ऐसे अपराध करने वाले सिंडिकेट का हिस्सा रहता है, तो उसपे ये धारा के अनुसार उसपे कार्रवाई होगी। और इसी तरह के और भी जो नए अपराध हैं, जैसे आतंकवाद को भी इसमें जोड़ा गया है। आतंकवाद के बाद एक धारा 69 है, 69 जो भी इसमें जोड़ा गया, जिसमें ये बताया गया है कि यदि कोई महिला के साथ धोखाधड़ी करके या फिर झूठा वादा करके, अगर शादी का झूठा वादा करके अगर कोई इंसान जो है शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस तरह के मामला में जो है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। और इसमें ये भी ऐड किया गया है कि झूठा वादा करने के साथ साथ यदि कोई झूठा पदोन्नति का जो है वादा करता है, या फिर जो है इसमें कोई ऐसा भी प्रॉमिस किया जाता है कि अपने आइडेंटिटी को छिपाया जाता है और उससे शारीरिक संबंध बना दिया जाता है, तो ये सारे चीज भी जो है सेक्शन 69 में जो है जोड़ा गया है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो है एक पावर दिया गया है महिला को कि अगर कहीं जहां वो वर्किंग है उस दौरान अगर किसी तरह का या फिर कोई रिलेशनशिप में कोई उनके साथ छल कर रहा है,
तो वो छल के अगेंस्ट जाके जो है एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है अपने लिए न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये जो संशोधन हुआ, नया कानून आया, इसके तहत महिलाओं को जो है एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट दिया गया जिससे कि वो खुद को सशक्तियां मजबूत कर सके। यानी कि देखा जाए तो इसके तहत जो भी ये परिवर्तन हुए हैं इसका बहुत सकारात्मक है जिसको हम देख सकते हैं और समझ में ये आता है कि इससे जो है किसी तरह से हम क्राइम पर जो है रोक तेजी से लगा सकते। क्या पुलिस की भी जो जिम्मेदारी है उसमें भी कोई बदलाव कुछ वैसा? देखिए, इसमें पुलिस का रोल जो है वो थोड़ा सा पहले के कानून के अनुसार बढ़ गया है। जैसे हम लोग जब BNSS देखेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये कानून जो है पहले के जो CRPC कोड को रिप्लेस किया, तो BNSS आने के बाद क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है उसका भी जो रिलायबिलिटी है और बढ़ गया है। जैसे जब सर्च और सीजर होता है तो अब पुलिस की ड्यूटी है नए कानून के अनुसार कि उस सर्च और सीजर का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होगा उसको प्रॉपर कलेक्ट करेगी ताकि इन्वेस्टिगेशन में उसको भी यूज किया जा सके। तो ये सब चीज जो है पुलिस की ड्यूटी जो है पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो इन्वॉल्वमेंट हो गया नए कानून में, इसको लेके प्रॉपर ट्रेनिंग जो पुलिस को जो मिलना चाहिए और मिल भी रहा है तो वो भी जरूरी है ताकि एक सही तरीके से जो कानून आया है वो न्याय संगत तरीके से प्रक्रिया के अनुसार चल पाए। यानी कि आपका कहना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की मान्यता जो है उसको बढ़ा दी गई। तो इस वक्त हम अभ्युदय जी से बात कर रहे थे, इन्होंने उन तमाम बिंदुओं पर बात की जब कानून परिवर्तन की बात हुई तो किस तरीके से कहा गया कि इसके सकारात्मक पहलू निकलकर जरूर सामने आएंगे। इन्होंने उसी सकारात्मक पहलू का जिक्र किया है और ये तमाम बातें बताई कि किस तरीके से संशोधन के बाद जब नए कानून को प्रस्तुत किया गया तो उसमें क्या कुछ और इसमें ऐड किया गया, कैसे महिलाओं को एक अलग सुरक्षा प्रदान की गई, कैसे पुलिस वालों की जिम्मेदारी को बढ़ाया गया, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने बात की और उन बारीकियों को बताया जो कि नए कानून संशोधन के बाद हमें जो लिखित रूप में प्राप्त हुआ है और जिस पर अब कोर्ट के तमाम कार्य हो रहे। फिलहाल इस वक्त के वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल।